हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वर्ना मॉडल में 2017 का मॉडल में जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और एमआईडी कंट्रोल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक ताकि आप सारी जानकारी ले सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है। तो यहाँ पे ये वॉइस कमांड के लिए बटन है जिससे आप कुछ भी वॉइस कमांड दे करके कुछ भी आप मतलब कमांड दे सकते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है। फिर ये है मोड, जैसे कि आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में जैसे कुछ भी आपको चेंज करना है तो इस मोड के बटन से आप चेंज कर सकते हैं। अभी FM बज रहा है कि चेंज हो रहा है, FM, DRM, माय म्यूज़िक, ये सब आप चेंज कर सकते हैं इस बटन के थ्रू से। और उसके बाद यहाँ पाते ये वॉल्यूम का बटन, और अगर इसको आप ऊपर नीचे कीजिएगा तो वॉल्यूम अप डाउन होता है, और इसको प्रेस कीजिएगा तो ये म्यूट हो जाता है। और यहाँ पे ये है, ये ट्रैक चेंज करने के लिए है। अगर आप गाना चेंज करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, बैक आगे कुछ भी करना चाहते हैं, इससे होता है। ये कॉल के लिए है, कॉल कनेक्ट करने के लिए और ये डिसकनेक्ट करने के लिए। फिर राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में यहाँ पर आपका है जो यहाँ पर बीच में MID जो लगा हुआ है, यहाँ पर MID को आप कंट्रोल कर सकते हैं इससे। ये MID का मोड है, जैसे कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं, जैसे कि इस बटन को प्रेस करने से देखिए वो चेंज हो रहा है सेटिंग, या फिर आप क्या देखना चाहते हैं वहाँ पे अपने सेटिंग भी जाना चाहते हैं या फिर नॉर्मल MID देखना चाहते हैं, इसलिए ये बटन है। और ये है आपका क्रूज़ के लिए। क्रूज़ का मैं आपको पार्ट बाद में बता दूंगा कि क्रूज़ कंट्रोल कैसे होता है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि आप कभी भी क्रूज़ करना चाहते हैं, अगर आप क्रूज़ मोड ऑन करना चाहते हैं, ये 35 का स्पीड से ज़्यादा स्पीड होने से आपका ये क्रूज़ मोड काम करता है। आप 35 की स्पीड में गाड़ी चलाइए या फिर उससे ज़्यादा चलाइए, उसके बाद आप क्रूज़ को प्रेस कीजिए तो यहाँ पे क्रूज़ लिखा हुआ आएगा। क्रूज़ लिखा हुआ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो नीचे डाउन बटन है, ये नीचे डाउन ऐसे करना है, ये चलते गाड़ी चलते रहेगी और आपको ये क्रूज़ ऑन करना है, क्रूज़ वहाँ लिखाएगा, फिर आपको ये डाउन बटन प्रेस करना है। ये सेट में सेट करने के जैसे सेट कीजिएगा तो ये आपका क्रूज़ मोड ऑन हो जाएगा। और रिज्यूम, ऊपर के लिए रिज्यूम है, रिज्यूम तब होता है जैसे कि आप पहली बार सेट कर लिए 60 में स्पीड चल रही है। उसके बाद अगर आपको क्या करना है कि आपको अचानक सडनली ब्रेक प्रेस करना पड़ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपको वापस से उस पर कैंसिल हो गया तो आपको वापस से 60 में करना है, तो इस बार ही क्रूज़ ऑन ही रहेगा तो आपको इस बार रिज्यूम में प्रेस करना, तो वो 60 में डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, मतलब 60 में चलने लगेगा गाड़ी ऑटोमेटिक। और ये रहा जो MID का कंट्रोल है, जैसे कि ये गया MID में, आप तो ऊपर नीचे क्या देखना चाहते हैं आप यहाँ देख रहे हैं, इससे आप क्या क्या चेक कर सकते, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, कुछ भी आपका एवरेज सब कुछ यहाँ से दिख जाएगा, इससे कंट्रोल होता है। और उसके बाद ये रहा ओके और कैंसिल, कुछ किसी को भी सिलेक्ट करने के लिए और ये फिर कैंसिल करने के लिए, इतना ही है। और इधर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाला बटन है ये आपका फॉग लाइट है, ये वाला, इस तरह से फॉग लाइट ऑन ऑफ करते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा ये वाला मोड, ये एक सेकेंड मैं अच्छे से दिखाता हूँ, एक सेकेंड, हाँ अच्छे से दिख रहा है या नहीं आपको पता है, ये वाला, इससे आप जैसे कि लाइट ऑटो मोड में रख सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। और इधर साइड जो है ये है आपका वाइपर्स के लिए, वाइपर्स का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है कि आप मिस्ट में रखना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं या इंट में रखना चाहते हैं, लो हाई जैसा आप सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं इसके थ्रू से। यहाँ पर जो बटन है इसे आप इससे कर सकते हैं। और इंडिकेटर भी यहीं से होता है, सॉरी इंडिकेटर इधर से होता है, लेफ्ट राइट यहाँ से अप करने से लेफ्ट इंडिकेटर देख सकते हैं और डाउन करने पर राइट इंडिकेटर, ठीक है। तो ये रहा ये पूरा स्टीयरिंग कंट्रोल, और ये रहा ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ पे एसी कंट्रोल्स हैं, यहाँ तो आपको पता ही होगा एसी कंट्रोल्स। अभी मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताता हूँ, यहाँ से ये जैसे कि आप FM चलाते हैं तो उसका जो सीक होता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ सेट हो रहा है, यहाँ पे की हो गया, ठीक है। और ये नेविगेशन के लिए है, इसको प्रेस करने से नेविगेशन ऑन होता है, आप कोई भी जहाँ आपको जाना है एड्रेस सर्च कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं।
ये डार्क मैप में ले जाएगा ये आपको डायरेक्ट। और ये रहा आपका सेटअप करने के लिए, कुछ भी सेटिंग में, मतलब कहीं भी आपको सेटिंग में जो भी आपको कंट्रोल्स चेंज करने हैं वो उसके लिए यहाँ पे है। और ये रहा फ़ोन, जैसे कि आप अगर कोई फ़ोन कनेक्ट किए हुए हैं ये स्विच करना चाहते हैं उसमें, तो ये फ़ोन प्रेस करके आप स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे मीडिया, मीडिया में प्रेस कीजिएगा तो आपका आएगा कि आप जो आप कनेक्ट किए हैं किसी भी आपके फ़ोन से या फिर पेन ड्राइव से, तो ये मीडिया में प्रेस करने से वो डायरेक्टली वहाँ पे वो आपका गाना बजने लगेगा। ठीक है, ये रेडियो के लिए। और सीख है ये वाला, वही जो मैं बता रहा था FM के लिए, आप डायरेक्टली जैसे कि एक FM से दूसरे FM स्टेशन में चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और ये रहा ट्रैक के लिए, जैसे ट्रैक चेंज करना, जैसे मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ इस तरह से है, ये दोनों काम करता है। FM के लिए ये सीख का काम करेगा, और जब म्यूज़िक प्ले कीजिएगा तब ये आपका ट्रैक का काम करेगा दोनों। ये रहा वॉल्यूम अप डाउन, और इसको आप प्रेस कीजिएगा अंदर की तरफ तो ये ऑन ऑफ का काम करता है, म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है और ऑफ भी हो जाता है इसी से। और इधर वही है बस, इससे तो बस ट्यून चेंज करते हैं आप। और ये बस AC के कंट्रोल्स। तो अगर इसमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछना है या फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कि कोई अगर आपको प्रॉब्लम में समझ नहीं आया तो मैं आपको अच्छे समझा सकता हूँ। अच्छा ये, अच्छा एक सेकेंड मैं आपको ये बताना भूल गया, यहाँ पर है ये जो ब्राइटनेस लेवल, जैसे कि आपका जो सिस्टम है यहाँ पे, जितना भी यहाँ पे लाइट जल रहे हैं या फिर ब्राइटनेस लेवल, उसका जो ब्राइटनेस लेवल को अप डाउन करने के लिए यहाँ बटन है, ये अप डाउन करने के लिए है। अगर आपको दिखाई कम दे रहा है या फिर ज़्यादा परेशानी, रात में ज़्यादा ब्राइटनेस है आपको आँख में पड़ रहा है, तो आप यहाँ से इसको आप कम कर सकते हैं। और ये है आगे का जो लाइट है, हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट नहीं सॉरी, आपका जो सामने में वो नॉर्मल लाइट जो होता है, वो डिपर जिसको बोलते हैं, वो डिपर को एडजस्ट करने के लिए, ताकि ये किसी के आँख में ना पड़े, तो यहाँ से आप एडजस्ट करके डाउन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसके थ्रू आप ये रोटेट करके, जैसे कि आप लाइट को, जैसे कि वो होता है ना लाइट ऊपर नीचे करना है वो आगे वाला लेवल को उस टाइप से, ताकि आगे जो गाड़ी आ रही है उसको, उसके ड्राइवर को परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और पूछ भी सकते हैं अगर कोई भी आपको क्वेरी करना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।